हाय हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है आदित्य और जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये वीडियो एक डेडिकेटेड वीडियो है सिर्फ सॉक्स के ऊपर। इस वीडियो को वैसे मैं बनाने तो नहीं वाला था, बट फिर भी बना रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है आप लोगों को मुझे डिटेल में बताना चाहिए। हर चीज़ डिटेल में बताने की ट्राई करूँगा। वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना। चलिए फिर फटाफट से दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं वीडियो की। तो दोस्तों ये रहे वो सॉक्स जिनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। ये है क्रीचर ब्रांड के, जो कि कुछ इस टाइप की पैकेजिंग में आ जाते हैं। इसमें ना छः पीस आते हैं। ये रहा एक पैर और ये रहा दूसरा पैर, तो ये चार पैर पैक के पैक है। मैं आप लोगों को बता देता हूँ इसके बारे में डिटेल में, ताकि आप लोगों को एकदम अच्छे से पता चल जाए। आप ये देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है सारा डिटेल, 899 प्राइस लिखा है, बट ये आते हैं 275 रुपीज़ में। बट अब भी करेंटली इसका प्राइस चल रहा है 245 रुपीज़। तो ये सॉक्स के बारे में हर चीज़ डिटेल में बताना चालू कर देता हूँ दोस्तों। तो ये रहे सॉक्स जो मैं अप्रॉक्सीमेटली 20 जनवरी से पहन रहा हूँ। ऑलमोस्ट एक दिन छोड़ के एक दिन वॉश करने जाते हैं, फिर मैंने इसे पहना है। आप देख सकते हो इस पर रुइए वगैरह आ गए हैं और इसके डिस्क्रिप्शन में लिखा है ये 100% कॉटन है। अब ये कॉटन है कि नहीं पता नहीं, बट पहनने में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल और सॉफ्ट है और एकदम फास्ट ड्राइंग टेक्नोलॉजी के साथ में आते हैं। और अंदर से भी इसकी फिनिशिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। ये आप जो धागे देख रहे हो, ये आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं लगने वाले न चुभने वाले हैं। फिनिशिंग तो बहुत ज़्यादा बढ़िया है दोस्तों इन सॉक्स की। ये सॉक्स लेने का रीज़न ये था क्योंकि मुझे इनका डिज़ाइन पैटर्न बहुत ज़्यादा सिंपल और बहुत ज़्यादा फॉर्मल लगा, अच्छा लगा, और पहनने में भी एकदम आसान है। एकदम जैसे आपका पैर है उस हिसाब से ये फिट होके एडजस्ट हो जाते हैं दोस्तों। दोनों सॉक्स वो एकदम परफेक्ट फिट फिनिश के साथ आते हैं। फिनिशिंग में कोई भी टाइप की दिक्कत नहीं, आप इसे फॉर्मल में कैजुअल में कैसे भी पहन सकते हो, एकदम आराम से चले जाते हैं दोस्तों। और ये है स्पार्क्स के SM482 मॉडल। ये अप्रॉक्सीमेटली 1.5 साल से मैं यूज़ कर रहा हूँ। बहुत ही ज़्यादा बढ़िया शूज़ है। अगर आप इनके बारे में भी डिटेल में जानना चाहते हैं तो आपको लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हावेवर ये सिर्फ सॉक्स से डेडिकेटेड वीडियो है, बट सिर्फ मैं इसके अंदर यूज़ कर रहा हूँ, इसके लिए आप लोगों को बता रहा हूँ। और एकदम परफेक्ट फिट हो जाते हैं ये सॉक्स, कोई भी टाइप की प्रॉब्लम नहीं आती दोस्तों। एकदम घंटों तक आप इसको पहने रहोगे ना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और अभी तक चल रहे हैं। मेरे को लगता है एक सॉक्स की लाइफ है ना 3 से 4 महीने अप्रॉक्सीमेटली चल ही जाएगी। और ये जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि इसके ऊपर जो रुइए आ गए हैं वो तो आ ही गए हैं, बट उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा है। ये आप देख सकते हो कपड़े की क्वालिटी कैसी क्या है। हावेवर रुइए आना गंदे कपड़े की निशानी होती है, बट मैंने इसे वॉशिंग मशीन में धोया है और 20 जनवरी से लेकर अब तक मैं ऑलमोस्ट हर एक दिन मैंने इन सॉक्स को पहना है दोस्तों। तो मैं वही रिव्यू शेयर कर रहा हूँ कि कैसे क्या है। और इसका जो मैंने दूसरा पैर निकाला है वो अभी ही मतलब एक ही बार धुला हुआ है और इसमें तो रोए नहीं आए हैं या वैसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ है। और ये भी पहनने में एकदम फिट एंड फिनिश एकदम सेम ही है, सब कुछ एकदम सिमिलर है। ये आप देख सकते हो, ये हो गई पहली जोड़ी और ये हो गई दूसरी जोड़ी, और बाकी इसमें और 4 है। मैं सारे आप लोगों को खोल के एक एक करके बता देता हूँ दोस्तों। कुछ ऐसी ही पैकेजिंग में आता है, सिंपल सी एकदम। और ये जो आप सारे सॉक्स देख रहे हो ये बिल्कुल भी वॉश नहीं हुए हुए हैं। आपके सामने जैसे सील आती है ये ब्रांड की, वैसे ही आए हैं। प्रिंट कितने सुपर है इनके, मेन तो इनके प्रिंट के वजह से मैंने इन्हें खरीदा है। छः पैर मुझे 275 रुपीज़ के पड़े। हावेवर अभी 245 रुपीज़ के अप्रॉक्सीमेटली इसका प्राइस चालू है। मतलब ये हो गई 6 जोड़ी। आप देख सकते हो कुछ ये सारे डिज़ाइंस मिल जाते हैं आप लोगों को, तो आप अपनी पसंद से चेकआउट करके ले सकते हो। इनका बाइंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और इनकी रिव्यू रेटिंग भी बहुत ज़्यादा बढ़िया है। तो आप डिसाइड करें आपको लेना है या नहीं। मेरे हिसाब से तो ये वर्थ बाइंग डील है। हावेवर इनके ऊपर आप लोगों को मिल जाते हैं ये रोए,
बट फिर भी इससे कुछ इतना फ़र्क नहीं पड़ा। अगर एक सॉक्स को मैं 2 महीना 3 महीना भी चला लूँ तो आराम से पूरा साल निकल जाएगा मेरे को लगता है। और अभी भी इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ, इलास्टिक वगैरह कुछ लूज़ नहीं हुआ है, मतलब वैसा का वैसा ही है, फिट एंड फिनिश। सिर्फ ये रुई वाली प्रॉब्लम है और कुछ भी नहीं है। अब आप डिसाइड करो आपको लेना है या नहीं, या आपको कौन सा क्या लेना है, आप उस हिसाब से डिसाइड करके अपने हिसाब से जज करके ले लो। दोस्तों आप लोगों की कोई भी क्वेरी, क्वेश्चन कुछ भी होगी मुझे नीचे कमेंट करके बताओ, मैं जल्द से जल्द आप लोगों को रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। आप लोगों की वीडियो से ज़रा सी भी हेल्प हुई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, पुराने सब्सक्राइबर हो तो थैंक यू सो मच, और बेल आइकन को ज़रूर दबाना ताकि मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को एकदम फटाक से नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों मेरे चैनल पे चेकआउट कर लो, और बहुत सारे वीडियोस है शूज़ से रिलेटेड, शर्ट से रिलेटेड, पैंट से रिलेटेड, आप लोगों को पसंद आएंगे। था चलो फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दोस्तों चैनल के साथ बने रहें।